नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे इंग्लिश सीखनी बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश के जो भी सेंटेंसेस हैं, जितने ज़्यादा आपको स्टोरीज मिलती है, पैराग्राफ मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे प्रोपोजिशंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ड भी हैं जिसकी सहायता से सेंटेंसेस बनते हैं, यानी उसका यूज़ होता ही होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहा है। बहुत सारे ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाए हैं जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके लिए मैंने यहाँ पर तैयार किया है, बाकायदा लिख के रखा हुआ है, तो बहुत ही ईजी से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे और किस प्रकार से यूज़ करना वो भी आपको बताते चलूँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक के आप लोग बने रहेंगे, क्योंकि यदि इन सब वर्ड्स की मीनिंग आ गया तो आपका मतलब आधा से ज़्यादा काम हो गया समझ लीजिए, बहुत कुछ आपको आ जाएगा। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसमें बहुत ईजी लेते हैं, इसमें भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो भी कन्फ्यूज़न आज दूर करने वाला हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, मैंने यहाँ पे उच्चारण में लिखा हुआ है, इसका मतलब भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में और ये उच्चारण। और यदि जिसे नहीं आता है हिंदी पढ़ना तो वो कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिए और अपना खुद से, मान लीजिए उर्दू भाषी है, उर्दू तो मुझे लिखना नहीं आता है या उर्दू में मतलब भी नहीं पता है, तो आप लोग क्या कीजिए, मैं जैसे उच्चारण कर रहा हूँ, जैसे आई बोला तो आई को आप लोग उर्दू में कैसे लिखेंगे वो लिख लीजिए और उसका मतलब भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं आई, आई यानी मैं, बहुत ईजी है अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है। माई यानी होता है, देखिए माई, माई यानी मेरा, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। आई यानी मैं, माई यानी मेरा, जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूँ, लेकिन जब बोलेंगे मेरा कि माई, ठीक है, माई फादर मेरे पिताजी, माई मदर मेरी माँ, तो ये मेरा मेरी में माई का यूज़ होता है। मी, मी यानी मुझे, ठीक है, मुझे दो, तो ऐसे नहीं बोलोगे कि गिव आई या गिव माई, ऐसे नहीं बोलोगे, गिव मी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास मुझे पानी दो, तो मी यानी मुझे, तो ये क्लियर हो गया। और मैंने अलग से ऐसे सेपरेट इन्हें बना के रखा, तो आई वाला क्लियर हो गया, मैं वाला जो मुझसे रिलेटेड है, जैसे आई यानी मैं, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे। अब देखते हैं आगे, यू, यू यानी होता तुम या फिर आप। अब हिंदी में जैसे हम अपने से बड़े हैं तो हम आप बोल के बात करते हैं, सम्मान देते हैं, छोटे हैं तो तुम बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, बड़े छोटे सबके लिए आप यू का यूज़ करोगे, ठीक है। योर, इसे यू आर बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन एक्चुअल में इसे योर पढ़ते हैं, ठीक है। योर, योर मीन्स होता है तुम्हारा या फिर आपका। इसी प्रकार से वी, वी यानी होता है हम, ठीक है, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, या फिर आप जो देश के हो आप बोल सकते हो, तो वी यानी हम, ठीक है। अस, अस यानी होता है हमें, अस यानी हमें। आर, इसे बहुत से लोग अवर ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे प्रोनाउंसिएशन आर होता है, ठीक, आर हमारा, ठीक है, आर कंट्रीज इंडिया, हमारे, हमारी जो देश है, हमारा देश है वो भारत है, इस प्रकार से। अब ये क्लियर हो गया, वी, अस और आर। अब आगे बढ़ते हैं, ये इजी इजी है, बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं। ही, ही, ये पू क्या लिखा हूँ, पुल्लिंग यानी पुरुष, यानी जो लड़का हो, आदमी हो, ठीक है, जेंडर जिसका मेल हो, तो हम वहाँ पे ही का यूज़ करते हैं, ही यानी वह होता है, ठीक है। अब ही का ही देखते हैं, यदि हमें उसका ऐसे बोलना है तो हम यूज़ करते हैं हिज, हिज यानी होता है उसका, ठीक है, ये भी पुरुष के लिए। अब लड़की हो तो फिर क्या यूज़ करेंगे आपको बताने वाला हूँ, ही यानी वह, हिज यानी उसका, हिम यानी उसे, हिम यानी उसे, ठीक है। बीट हिम, उसे मारो, तो बीट हिम, ऐसे बीट हिज या बीट ही ऐसे नहीं बोलेंगे, तो सब में अंतर है, क्लियर हो गया। ही, हिज और हिम, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे जिन्हें ज़रूरत है। अब देखिए, शी, शी यानी भी वह होता है, देखिए वी यानी भी वह, शी यानी भी वह, लेकिन हर बार आपको बताता हूँ, यहाँ पे पुल्लिंग लिखा हूँ पुरुष और स्त्रीलिंग यानी स्त्री, महिला, ठीक है, तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हम शी का यूज़ करते हैं वह के लिए। हर, हर यानी उसका या फिर उसी, और उसी के लिए भी हम हर के यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसे भी जैसे लिखा हुआ तो भी हम वहाँ पे हर का यूज़ करते हैं, तो ये क्लियर हो गया। ही, हिज, हिम लड़कों के लिए और शी और हर लड़कियों के लिए यूज़ होता है, स्त्रियों के लिए। इट, इट यानी यह भी होता है, वह भी होता है, यदि प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस में हम इट यूज़ कर रहे हैं तो यह उसका मतलब होगा, और वह कब यूज़ करेंगे, जब पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है। और इट का यूज़ कब करते हैं भाई, यह तो दिस को भी बोलते हैं, इट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बेबी है, अब बच्चे को हम बेबी बोल देते हैं, लेकिन यदि हमें पता है कि वो बच्चा लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज़ बेबी, वह एक बच्चा है, तो हमें पता है वो लड़का है, बच्चा, लड़की है, तो हम बोलेंगे शी इज़ बेबी, वह बेबी है, लेकिन हमें पता नहीं है वो बच्चा है कि बच्ची है, कपड़े से पूरा ढके हुए हैं और हमें पता ही नहीं है बच्चा है कि बच्चे, जानते ही नहीं है, लेकिन हमें बोलना है कि यह क्या है, एक बच्चा है, तो हमें पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, तो हम वहाँ पर इट का यूज़ करेंगे।
इट इज अ बेबी, इट इज बेबी या फिर इट इज अ बेबी, वह एक या फिर यह एक बच्चा है, तो वहां पे हम इट का यूज करते हैं जब हमें जेंडर ना पता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस, दिस यानी यह होता है एक वचन, दिस यानी एक वचन, यह ये कोई वस्तु वगैरह, जैसे दिस इज अ चेयर, दिस इज अ कैमरा, तो ज्यादातर वस्तुओं के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस, दिस यानी होता है यह। अब यहाँ पे देखिए एक क्या लिखा हूं, एक वचन, यानी कि जैसे कि एक पेन है, ठीक है, और हमारे पास में है, पास में है किसी के, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ठीक है, तो हम दिस का यूज करेंगे, अभी आपको और यूज बता रहा हूं। अब यहाँ पे दीज, देखिए पढ़ने में जैसा लग रहा है दिस और दीज, तो दोनों में अंतर है, दिस धीरे से बोलते हैं, दीज लंबा बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दिस यानी यह एक वचन, एक पेन है तो, और दीज यानी ये बहुवचन, यानी कि ये पेन हमारे पास तो है लेकिन एक पेन नहीं, एक से ज्यादा पेन, दो या दो से ज्यादा पेन हमारे पास हो तो हम वहां पे दीज का यूज करेंगे, दीज आर द पेन्स। ठीक है, दीज आर पेन्स, ये पेन है, कलम है, तो दिस के साथ आर लगता है और दिस के साथ इज लगता है, तो क्लियर हो गया। एक चीज है हमारे पास में तो हम दिस का यूज करेंगे, दिस इसका, और एक से ज्यादा पेन है या कोई भी ज्यादा चीज है हमारे पास में तो हम दिस का यूज करेंगे, ये बहुवचन एक वचन, क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से दैट का देखते हैं, दैट और दोज में भी वही अंतर है जो दिस और दीज में है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यह और ये, उसका मतलब वह और वे, कैसे, दैट, अब इसी पेन के बारे में बता रहा हूँ भाई, जब पास में है तो हम दिस का यूज करते थे, यही पेन हमसे दूर में है, मान लीजिए मैं हूँ, ये मुझसे दूर में है, तो मैं क्या बोलूंगा कि दैट इज अ पेन, एक पेन के लिए, ठीक है, दैट इज अ पेन, ठीक है, वह पेन है। अब यही पेन मुझसे दूर तो है भाई, दूर रहेगा तभी हम दोस्त का यूज करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है, एक है तो हम दैट का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा पेन है हमसे दूर है तो हम दोज का यूज करेंगे। अब एक से ज्यादा पेन मान लीजिए, उंगली को पेन मान लीजिए दो है, या दो से ज्यादा पेन है मान लीजिए तीन चार, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, वो मुझसे दूर है तो दोज, क्लियर हो गया। पास में एक है तो दिस, और दूर में एक है तो दैट, पास में बहुत सारे हैं तो दीस, दूर में बहुत सारे हैं तो दोज, ये सब होता है, क्लियर हो गया। खाली पढ़ना रहता तो ऐसे पढ़ लेते आप भी, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। What, what यानी क्या, बहुत easy है, what is your name, इस प्रकार से तुम्हारा नाम क्या है। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली में हम आ गए, डब्ल्यू एच फैमिली यानी प्रश्नवाचक जो परिवार होता है ना, what, ठीक है, डब्ल्यू से देखिए क्या क्या हो रहा है, एस से क्या क्या होगा आगे बताऊंगा, तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग, तो ये भी देखिए what यानी होता है क्या, बहुत ईजी है। विच यानी कौन सा, ठीक है, विच फ्रूट डू यू लाइक, तुम कौन सा फल पसंद करते हो, ठीक है। हूज यानी किसका, हूज यानी किसका। When, when यानी होता है कब, ठीक है, तो देखिए ये सब बहुत easy है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। When, ठीक है, When will you come, तुम कब आओगे, तो when का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी भी W का ही चल रहा है। और क्या क्वेश्चन वाला जो अपना वर्ड है, who, who यानी होता है कौन, who are you, तुम कौन हो, who is your father, तुम्हारे पिताजी कौन है, इस प्रकार से। Why, why मतलब क्यों, ठीक है, जैसे कि Why are you dancing? तुम नाच क्यों रहे हो, तो why यानी क्यों, ठीक है। ऐसे सबका मीनिंग बताना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग। जैसे where, where यानी कहाँ, where do you live, तुम कहाँ रहते हो, इस प्रकार से। whom, whom यानी किसे या किसका, ठीक है। how यानी कैसे, how are you, तुम कैसे हो। how many, कितने, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब कितने में हम क्या लिखे, गिना जा सके, how many। जैसे कि हम बोलेंगे हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, यानी कि कितने आदमी वहां पर हैं, कितने आदमी, तो भाई हम आदमी को गिन सकते हैं कि नहीं, हाँ एक आदमी, दो आदमी, सौ, हजार, गिन सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि कितने कितने सारे, कितने शक्कर हैं, ठीक है, कितने केजी शक्कर है, कितने शक्कर है, सॉरी कितने सारे शक्कर हैं, तो क्या आप शक्कर को गिन पाओगे क्या, एक दो करके नहीं गिन पाओगे, बहुत सारे रहेंगे, तो वहाँ पे हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ मच शुगर, कितना शक्कर है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी का यूज करते हैं, कितने, और जहाँ पे हम गिन नहीं सकते हैं वहाँ पे हाउ मच का यूज करते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब आगे बढ़ते हैं, वॉट एल्स यानी और क्या, ठीक है, वॉट एल्स यानी और क्या। वॉट एवर, जो भी हो, वॉट एवर मतलब जो भी हो। वेन एवर, जब कभी, वेन एवर यू कम, जब कभी तुम आओगे, ठीक है, तो वेन एवर, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हाउ मेनी, हाउ मच, वॉट एल्स, वॉट एवर, वेन एवर, ये सब क्वेश्चन मार्क वाला है यानी प्रश्नवाचक, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल यानी कितना सुंदर। अब इसी कोई बोलेगा हाउ फार, हाउ फार यानी कितना दूर। कोई बोलेगा हाउ गुड, तो क्या बोलोगे, कितना अच्छा। कोई बोलेगा हाउ लॉन्ग यानी कितना दूर। हाउ ओल्ड, कितना पुराना।
हाउ सून, कितनी जल्दी, ठीक है, कितना जल्दी, कितनी जल्दी, ऐसे हम यूज़ करेंगे। तो भाई बहुत सारा बन गया, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ फार, हाउ गुड, हाउ लॉन्ग, ठीक है, अलग अलग करके, अलग अलग ना लिख के मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, तो आपको ईजी भी होगा और समझ भी आएगा। तो क्लियर हो गया हाउ का, हाउ का यूज़ कैसे करते हैं, कितना के साथ हमें जोड़ना है बस, ठीक है। अब देखते हैं सिंस वैन, इसका यूज कब करते हैं, कब से, सिंस वैन, सिंस वैन यू लिव हियर, ठीक है, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, ठीक है, रहते हो, तो हम वहाँ पे सिंस वैन का यूज़ करते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, जैसे कोई जगह से या किसी समय का नाम बताना है, इस समय से, या किसी का, किसी लड़के का नाम है कि, ठीक है, उस लड़के से मैंने लिया, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम, जैसे कोई अमेरिका से, आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से आता हूँ, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, फ्रॉम का यूज़ करेगा, फ्रॉम यानी से, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होते हैं फ्रॉम और फॉर में, ठीक है, फ्रॉम यानी से और फॉर यानी के लिए। जैसे दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, मान लीजिए फूल रखे और बोल रहे दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, तो के लिए के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन, इन यानी में या फिर अंदर, ठीक है, इन यानी में, जैसे कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ या फिर कमरे में हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे में और अंदर दोनों के लिए यूज़ होता है। इन टू, इन टू यानी में, भाई इन यानी भी में होता है, इन टू यानी भी में होता है। अब आप कमरे में हो तब तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो मैं कमरे में जा रहा हूँ, कमरे में जा रहा हूँ, तो मोशन, कुछ मोशन हो रहा है, यानी कि कमरे के अंदर में नहीं हो आप कमरे के अंदर जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, आपकी गति हो रही है, आप जा रहे हो, अभी गए नहीं हो, जा रहे हो, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। इन यदि आप कमरे के अंदर, ये मान लीजिए कमरा है, यहाँ पहले से हो, आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे, लेकिन तुम कमरे के अंदर जा रहे हो, अभी गए नहीं हो, तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए ही इज़ गोइंग इन टू रूम, ही इज़ गोइंग इन टू रूम, ठीक है, वह कमरे के अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है, गया नहीं है। उसी बात से पोर द टी इन टू द कप, पोर, पोर यानी होता है ढालना, द टी, चाय को ढालो, इन टू द कप, कप में डालो, तो अभी कप के अंदर चाय गया नहीं है, डालो बोल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कप के अंदर अभी चाय जाने वाला है, जाने को है, तो वहाँ पर हम इन टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बिफोर, बिफोर यानी होता है पहले या फिर किसी के सामने, ठीक है, बिफोर द टाइम, समय से पहले, बिफोर यू, तुम्हारे सामने, ठीक है, इन फ्रंट का भी यूज़ होता है किसी के सामने, लेकिन बिफोर का बता रहा हूँ, तो पहले और सामने दोनों के लिए बिफोर का यूज़ करते हैं। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, ठीक है, ठीक है, कम आफ्टर मी, मेरे बाद आना, ठीक है, किसी के पीछे पड़ना, तो भाई किसी के पीछे पड़ते हैं तो भी हम वहाँ पर आफ्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए टू, टू का यूज़ बहुत से लोग कन्फ्यूज़न लगता है, टू यानी को, यानी किसी जगह को जा रहा है, ठीक है, या जाता है, भाई जैसे कि माले मैं बोलूँगा मैं घर जाता हूँ या फिर मैं घर को जाता हूँ, तो आई एम, मैं जा रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू होम, तो वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, आई एम गोइंग टू होम। या फिर आप बोलोगे कि मैं गया था, ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे आप टू का यूज़ करेंगे, तो कहाँ गए थे, दिल्ली को गए थे, तो टू का मतलब को होता है, यानी किसी जगह आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप टू का यूज़ करोगे, ठीक है। इस पर और टू का बहुत सारे यूजेस है, लेकिन यूज़ के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी केवल मीनिंग जान लीजिए, ठीक है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, किसी की तरफ, जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स विलेज, आई एम गोइंग टूवर्ड्स विलेज, मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ, किसी की तरफ, तो टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द विलेज, गांव की तरफ, टूवर्ड्स द टाउन, नगर की तरफ, टूवर्ड्स द होम, घर की तरफ, तो किसी की तरफ, टूवर्ड्स। विद इन यानी होता है समय के अंदर, इतने समय के अंदर, जैसे आई विल गो विद इन 10 मिनट, ठीक है, तो मैं 10 मिनट के अंदर जाऊँगा, तो विद इन के अंदर, वहाँ पे विद इन का यूज़ करते हैं। देन, देन का यूज़ हम कब करते हैं, देन का यूज़ तुलना करना, दो लोगों के बीच में कंपेयर करना, तुलना करना कि यार इससे अच्छा तो वो है, उससे लंबा तो वो है, उससे सुंदर तो वो है, तो दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, तो देन का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल इज़ बेटर देन श्याम, राहुल श्याम की तुलना में अच्छा है या श्याम से अच्छा है, तो दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है ना, वहाँ पे देन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए बोलूँगा कि रूपा क्या है, रूपा सीता से लंबी है, तो रूपा इज टॉलर देन सीता, रूपा इज टॉलर देन सीता, टॉलर यानी होता है लंबा, ठीक है, तो सीता से रूपा ज़्यादा लंबी है, तो जब दो लोग का कंपेयर करते हैं तो देन का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये लास्ट पेज है,
उसके बाद बहुत सारी, ये तो पहले पार्ट बनाया, बहुत सारे ऐसे अक्रॉस, अक्रॉस यानी होता है पार करना, ठीक है, इस जगह से उस जगह से पार करने को हम अक्रॉस बोलते हैं। जैसे कैन ही स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या वो नदी के उस पार, ठीक है, तैर सकता है या नदी के तैर के उस पार जा सकता है, तो वहां पे हम अक्रॉस का यूज करते हैं, उस पार, या सड़क के उस पार जाएंगे तो भी अक्रॉस द रोड, उस पार, ठीक है, इस प्रकार से अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के उस पार, पिल के उस पार, सॉरी पुल के उस पार, तो अक्रॉस का यूज करते हैं। अलोंग, अलोंग यानी क्या होता है, साथ में, किसी के साथ में, तो अलोंग, जैसे कम अलोंग मी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, तो साथ में को हम अलोंग बोलते हैं, ठीक है। अलोंग योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त के साथ, तो अलोंग। अराउंड, अराउंड यानी होता है चारों ओर, चारों तरफ को अराउंड बोलते हैं। शी ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री, ठीक है, शी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, ठीक है, यात्रा की अराउंड द कंट्री यानी देश के चारों तरफ, देश के चारों तरफ उसने यात्रा की। भाई बहुत से लोग करते हैं यात्रा, तो चारों तरफ के लिए अराउंड का यूज करेंगे। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, लेकिन किसी को बिना टच किए हुए ऊपर, भाई किसी को टच कर रहा है तो हम वहां पे ऑन का यूज करते हैं, ऑन द टेबल, ठीक है, एट का यूज करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर है, लेकिन उसे उस चीज को, जैसे टेबल के ऊपर है लेकिन वहां पे टच नहीं किया है, वो उसके ऊपर है। जैसे कि आई जंप्ड ओवर द रोप, है ना, मैं रस्सी के ऊपर जंप किया, मैंने रस्सी के ऊपर जंप किया, यानी रस्सी है इसके ऊपर से जंप किया, लेकिन रस्सी के ऊपर खड़ा थोड़ी है, खड़ा होता तो भाई वहां पे हम ऑन द रोप बोलते, रस्सी पर, रस्सी के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर से जंप किया तो उसे टच किया गया, रस्सी को नहीं किया है, तो वहां पे ओवर का यूज होता है। जैसे हवाई जहाज हमारे ऊपर से जा रही है तो हम यहाँ बोलेंगे ओवर द हेड, हमारे सिर के ऊपर से, ठीक है, तो एरोप्लेन इज गोइंग ओवर 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 द हेड, हमारे सिर के ऊपर से, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से किसी के ऊपर से बिना टच किए। अबाउट यानी होता है के बारे में, किसी के बारे में, टॉक अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में बताओ, दिस इज नॉट अबाउट यू, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ठीक है, टेल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, तो वहां पे अबाउट यानी किसी के बारे में, ठीक है। ऑफ, ऑफ यानी होता है का, ये तो बहुत ईजी है, आई एम द सन ऑफ मिस्टर रामानु शर्मा, मैं मिस्टर रामानु शर्मा का बेटा हूं, ठीक है, ऑफ यानी होता है का। अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी होता है विरुद्ध, किसी के खिलाफ, आई एम अगेंस्ट द क्राइम, मैं क्राइम के खिलाफ हूँ, ठीक है, क्राइम यानी क्या होता है, क्राइम यानी होता है जो जितने भी यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, जो भी गलत चीज़ें चल रही है, अपराध, क्राइम यानी अपराध, यानी जो भी यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, है ना, उसके मैं क्या हूँ, खिलाफ हूँ, जुर्म के खिलाफ हूँ, तो आई एम अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी होता है किसी के खिलाफ होना, या आप बोलोगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ या मेरे पिताजी के खिलाफ हूँ, तो आई एम अगेंस्ट माई फादर, मैं पिताजी के खिलाफ हूँ, आई एम अगेंस्ट माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त के खिलाफ हूँ, कुछ चीज़ में होता ना कई बार कुछ खिलाफ होना, मतलब कि नहीं यार मतलब उस पर हामी नहीं भरना, उसे खिलाफ बोलते हैं, तो किसी के खिलाफ कुछ चीज़ हो आप तो वहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कोई है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, जैसे ही सिटिंग बिटवीन श्रेया एंड पूजा, वह क्या है, बैठी है श्रेया और पूजा के बीच में, भाई मान लीजिए श्रेया है और ये पूजा है तो इसके बीच में वह बैठी है, तो दो लोगों के बीच में या दो सामान के बीच में है तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि द पेन इज बिटवीन माई टू फिंगर्स, ठीक है, द पेन इज बिटवीन माई टू फिंगर्स, यानी पेन मेरे दो उंगलियों के बीच में है, तो हाँ बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमंग यानी भी होता है बीच में, लेकिन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, दो के बीच में तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा लोग हैं तो अमंग का यूज़ करेंगे, जैसे ही वॉज अमंग टेन फ्रेंड्स, ही वॉज अमंग टेन फ्रेंड्स, यानी वो दस लोग हैं, ऐसे ऐसे दस लोग होंगे उसके बीच में हैं, तो दो से ज़्यादा लोग हैं, तीन लोगों के बीच में भी है तो भी अमंग का यूज़ करेंगे, 10,000 1,500 जितने के बीच में है तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे, केवल दो लोग के बीच में है या दो चीज़ों के बीच में कोई है तो बिटवीन, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही बचा है, फिर आज की क्लास एंड हो जाएगी। अंडर यानी होता है नीचे, आई हिट अंडर द टेबल, हिट, ठीक है, हाइड नहीं है, हिट यानी पास्ट टेंस होता है हाइड का, मैं छिपा अंडर द टेबल, मैं टेबल के नीचे छिप गया, तो वहाँ पे हम हिड का यूज़ करते हैं, सॉरी यहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं, नीचे किसी चीज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द बेड, बेड के नीचे, पलंग के नीचे, अंडर द रूफ, छत के नीचे, ठीक है, अंडर द टेबल तो बता चुका था, टेबल के नीचे, तो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, तो किसी के नीचे हो तो अंडर का यूज़ करते हैं। बिलो, बिलो यानी भी नीचे होता है, लेकिन जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, जैसे टेबल के नीचे, तो टेबल के नीचे तो हम छू सकते हैं टेबल को, ठीक है, ट्री को छू सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ के नीचे, जैसे इट्स 6 डिग्रीज बिलो जीरो, ये क्या है,
छह डिग्री कम है, जीरो से छह डिग्री कम है यानी माइनस सिक्स होगा। तो भाई यहाँ पे कुछ आप डिग्री वगैरह छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। आपको इस प्रकार के कोई वाक्य बोलने हैं जहाँ पे किसी चीज को आप छू नहीं सकते हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, उस नीचे के लिए आप बिलो का यूज करोगे, और कोई चीज को आप छू सकते हो तो वहां पे अंडर का यूज करोगे। तो भाई ये थी आज की क्लास। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, इसका स्क्रीन शॉट आपको मैं दे दूंगा फेसबुक पेज में, तो वहां पे स्क्रीन शॉट आप लोग ले लेंगे, और फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे दिया हुआ हूँ। और आज की क्लास थोड़ी भी पसंद आई हो, इसका पार्ट टू बनाना हो जहाँ पे मैं ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे भाई सैड, ठीक है, सैड यानी होता है कहा, गो यानी जाना है, तो बहुत इजी हो गया। ऐसे बहुत सारे इजी इजी और बहुत सारे कठिन कठिन वर्ड्स भी लेके आने वाला हूँ जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टोरीज में, और हम जो भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ होता है, वो सभी लेके आने वाला हूँ। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।